कैसे हैं साहब? बहुत अच्छी बात, आप कैसे हैं जनाब? बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं 24 चुनाव की घोषणा? बस एकदम मुहाने पे खड़ा हूं हम लोग। हाँ जी, आपकी बार 400 पार। वकील साहब, हाँ जी, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल और सारी चीजें 400 पार, महंगाई 400 पार। गजब है भाई, लखनऊ में आदमी बोलता भी तो वो तिरछे तरह से बोलता है। मैं आया वकील साहब, मैं आया कांग्रेस को एक बार फिर देखते कांग्रेस एंड देन आर जी। बड़े वो सवाल ये था कुछ, उन्होंने कहा था आप अपनी बात रखिए, मैं आपको एक मिनट देता हूं आपको कि कांग्रेस को चुने तो क्यों चुने, यहीं से चलिए, यहीं से शुरू करिए जी। भाई अगर पेपर लीक नहीं करवाने हैं तो कांग्रेस को चुन लीजिए, 1 करोड़ बेरोजगार अगर सड़क पर नहीं देखने हैं तो कांग्रेस को चुन लीजिए, अगर आपको सिलेंडर 395 रुपए में चाहिए तो कांग्रेस को चुन लीजिए, आपको अगर सीमाओं की सुरक्षा चाहिए तो कांग्रेस को चुन लीजिए, रोजगार परक विकास, अगर जितने युवाओं को नौकरी नहीं मिली वो ग्रेजुएट हो गए 25 साल तक के, 1 लाख रुपए साल की अप्रेंटिस चाहिए तो आप कांग्रेस को चुन लीजिए। जो 1 लाख रुपए की अप्रेंटिस, 1 लाख रुपए की 1 साल की अप्रेंटिस है, कांग्रेस की गारंटी है। और किसान भाइयों से मैं यहां से कह रहा हूं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए तो कांग्रेस को चुन लीजिए, आज की डेट में देश को विकसित और उन्नत बनाना है तो कांग्रेस को चुन लीजिए, और जुमलेबाज बनाना है तो भाजपा को। जी मैं बिल्कुल आ रहा हूं, एक एक करके आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास आऊंगा, बहुत दिन हुए, 1 साल 1.5 साल पहले बुला होगा आपने। हाँ जनवरी आ गया, मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं, मैं आपके पास भी आता हूं जी। हाँ जी, एक मिनट आराम तो उतार लो ना बेटा। क्या नाम तुम्हारा? शुभम शुक्ला। तीन बार पूछता हूं ये तो मालूम ही है ना, शुभम शुक्ला। क्या काम करते हैं बेटा? हमारा बिजनेस है साक्षी जो मेकअप स्टूडियो। कहे कहे? साक्षी जो मेकअप है स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो है। आप आरती को जानते होंगे, दिल्ली में मिलके आए हैं अभी। अरे भाई हमें, हम तुमसे जो पूछ रहे वो जवाब दो, हम किसको जानते हैं किसको नहीं जानते। कह रहे पाकिस्तान को आर्थिक मदद चाहिए। अरे भाई मैं तुम्हें जो सवाल पूछो तो मैं पाकिस्तान और कलकत्ता बना, ये बताओ काहे का स्टूडियो है? मेकअप स्टूडियो है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है लोगों को अभी, इसलिए बिजनेस अभी बहुत बढ़िया चलेगा। अब आगे आओ शुक्ला जी, काम की बात भूल जाते हो तुम। हाँ आप बताओ। हाँ बताइए। क्या क्या बताइए, क्या बोलो? अरे अभी तो बोल, इन्होंने जो कहा है। इन्होंने, अरे जो कांग्रेस के जी हैं इन्होंने ये कहा है, तो इनको कह रहे कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद देनी है तो कांग्रेस को वापस लाएं। पुलवामा में जो अटैक हुआ वहाँ सब चीजें हुई, उनके जिम्मेदार कौन है? बीजेपी आई तब जाके हम लोगों ने वहाँ पे सांस ली है, वरना सांसें नहीं ले रहे थे। शुक्ला जी बोला करो तो ढंग से बोला करो कि अब जब से बीजेपी आई सांस ले रहे हैं, वरना तो सांसें नहीं ले रहे थे। बड़ा मजा आ रहा है, तो मलाई काट रहे होगे सब लोग। सत्ता यही होती है, जहां पहुंच जाए वही मजा देती है। लेकिन 24 का खेल है, 24 में बात। अरे कौन है इनको? अरे भाई अच्छी चीजें दिखाया करो, ये सब चीजें ना दिखाया करिए, शो वो क्या है, अच्छी चीजें नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी मजबूरी भी होती है कि बच्चे कहां छोड़ें। आगे जी प्रसून जी, आप एक कोई तैयारी सुनाओ, मैं पहले बीजेपी से एक छोटा सा रिएक्शन एंड देन आई एम कमिंग टू यू जी। बीजेपी का जी दुबे जी, देखिए इन्होंने कहा अभी बहुत सारी चीजें बताई कि इसलिए चुनिए, मैं आपको बताता हूं, अगर पक्का छत चाहिए, गरीबों को मकान चाहिए तो भाजपा को चुनिए, सुरक्षित देश चाहिए तो भाजपा को चुनिए, वरना कांग्रेस कर्नाटक में आई और धमाका हो गया। अभी 14 के बाद से देश में धमाके नहीं हुए, अगर दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों को छोड़ दीजिए तो देश में कहीं धमाके नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी आई कर्नाटक में, धमाका चालू हो गया, क्योंकि ये धमाकों में भी तुष्टीकरण देखते हैं। धमाकों में भी तुष्टीकरण, बिल्कुल। जनाब इधर निकालिए, उधर पीछे ना खड़े रहिए जी। देखिए देश में और आतंक पर इस तरीके की कुत्सित और गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लो इंटेंसिटी का जो बम था और उसकी जो जांच चल रही है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल गए तो, अगर जैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले उस दर्जी को मारने वाले, जैसे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का 1-2 लाख रुपए का आतंकवादी, इनका सोशल मीडिया सेल का हेड निकला, तब ये क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी देखिए, मुंबई में हमला हुआ, इनके नेता कोट पैंट बदल रहे थे और पूछा गया क्या कार्रवाई करेंगे, बोले हम डोजियर भेज रहे हैं। हमने क्या किया, हमने उरी हुआ या पुलवामा, पाकिस्तान में घुसकर डोज देने का काम किया, ये अंतर है। वो डोजिया देते हैं, हम डोज देते हैं। जी भाभी जी नमस्ते। अरे रुकिए, पुलवामा तो होता, हमें तो आपके हालचाल पूछने के लिए आया था, और अगर नहीं बताना तो जा रहा हूं वापस। अरे रुकिए रुकिए, 24 तो बहाना है मिलना आपसे था मुझे।
क्या नाम है साहब? दिनेश मिश्रा। दिनेश जी क्या काम करते हैं? मैं इनकम टैक्स की वकालत करता हूँ। अरे बाप रे, इनकम टैक्स की वकालत करते हैं, अब तो बड़े बड़े मतलब ठीक ठाक काहे ताली बजा रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है। मिश्रा जी क्या आप पूछना आप पूछिए। मैं दो चीज पूछना चाहता हूँ कि पहला तो पुलवामा पर अटैक हुआ उसका आज तक आरडीएस कहां से आए बताया क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और जम्मू कश्मीर में भी इनका शासन है ये नहीं बताते ये। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इलेक्टोरल बांड को लेकर के मैं बात करना चाहता हूं कि जब 10,000 उसमें कैश देने का प्रावधान था तो 2,000 क्यों किया आपने? आपने कहा हम बेईमानी रोक देंगे और वहां पर आरबीआई में देने के लिए आपको नाम पता देने की जरूरत नहीं है, आप कैसे इतना भ्रष्टाचार के काम बात करते हैं? तीसरी बात मैं सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जितना चंदा मिलता है पार्टियों का उससे जनता क्या क्या हित किया जाता है और उसको टैक्स के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता है, उसको क्यों नहीं लाया जाता है और उसको जनता को बाहर क्यों नहीं दिखाया जाता है, किसने कितना चंदा किससे लिया और किसने दिया? तो आज चंदे की तो बात हुई भी थी और कहा गया कि भाई नहीं, हमने सुनवाई तब की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फौरी तौर पे नामों का और चीजों का खुलासा करें, अब तो आज का ऑनलाइन का जमाना। जी बाबूजी क्या नाम साहब? राशिद भाई। राशिद भाई यही लखनऊ के बाशिंदे जी, क्या काम करते हैं साहब? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है। बीजेपी ने भी खराब कर दिया है। बीजेपी ने खराब कर दिया, क्यों कैसे? अब क्या इतना सब टैक्स ला दिया है, टैक्स ला दिया, आदमी जमीन खरीदने से कतरा इसलिए रहा है कि कहीं ईडी ना छापा मार दे। जी आदमी डर रहा है कि कहीं ईडी छापा ना मार दे, बिल्कुल। उसको देखिए पहले क्या होता था, कहीं जमीन कब्जा कर लो समाजवादी पार्टी की सरकार में, कहीं प्लॉटिंग कर दो, कहीं पे जमीन बेच दो, किसी तरह का पैसा लगा दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जमीनों पर कब्जा बंद हो गया है, नियम कानून से काम हो रहे हैं और जो लोग ईमानदारी की कमाई कर रहे हैं वो ईमानदारी से अपना मकान भी बना रहे हैं और जिनके पास अपना छत बनाने की पैसे नहीं है उनको सरकार मकान भी बनाने का काम कर रही है, शौचालय बनाने का काम भी कर रही है और साथ साथ इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देने का भी। बिल्कुल आपके पास है, आप ही को आक्रमण किया था, समाजवादी ही जवाब देगी। जी बड़ी चिंता की बात है, कोई ना खड़े हुई कोई कोई मतलब सब ठीक तो है ना? बिल्कुल फिट है एकदम। तो कहा इतना चिंतित कहा है? चिंतित लोगों का व्यू देख रहे हैं कि क्या है, बताइए देश का क्या मतलब, क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं ये लोग, है ना? यही सोच रहे होंगे लखनऊ की नजाकत को जो है इस तरीके से। मुझे मालूम है कि आप चांदनी रात में छाता लेके चलते हैं, मुझे मालूम है बर्फी छील के खाते होंगे आप। लेकिन एक शायर ने लिखा कि रहे न कोई मलाल पूरी शिद्दत से कर, नफरत भी कर तो पूरी मोहब्बत से कर। क्या बात है, क्या नाम है साहब आपका? सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला आपने याद दिला दिया प्रसून जी की। अरे मैं माफी चाहता हूँ। जी जी जनाब, जनाब वेरी क्विक। यहाँ पर आप बता रहे थे ना कब पीला लाल हो जाए, कब लाल पीला हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है, तो मैं चार पंक्तियां सुनाता हूँ कि जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा, जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा, जो बीजेपी से टकराएगा बीजेपी में ही मिल जाएगा।